Hello, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about organism and population. This chapter is taken from NCERT class 12th unit 4. इस चैप्टर में हम आज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में एज पिरामिड के बारे में बात करने वाले हैं. तो इस चैप्टर में आप किसके बारे में स्पेसिफिकली आज बात करने वाले हैं? इट इज अबाउट एज पिरामिड, राइट? अब आप देखो, एज पिरामिड में एक पॉपुलेशन जो है एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, राइट? तो इन अ पॉपुलेशन इज हैविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. अब अलग अलग एज ग्रुप्स के आपको एक पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, तो जो रिजल्टेंट आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या है? एज पिरामिड, राइट? सो आप देखो, यहाँ पर इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप, राइट, इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टेंट जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज एज पिरामिड, ठीक है? अब आप देखो, अगर आप एक एज ग्रुप की बात करो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स कौन से हैं, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में आपको यहाँ पर पहला देखने को मिलता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट? आपको यहाँ सेकेंड देखने को मिलेगा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एंड आपको यहाँ थर्ड देखने को मिलता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एज ग्रुप देखने को मिलेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट? अब इनके बेसिस पर एक ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड जो है विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम, राइट? आपको यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल्स हैं एक ही कंबाइंड डायग्राम में शो किए जा रहे हैं, ठीक है? अब जो आपका शेप है ऑफ द पिरामिड, राइट, आप देखें द शेप ऑफ पिरामिड, ये क्या बताता है कि वेदर द पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग और डिक्लाइनिंग या स्टेबल है. तो ये क्या बता रहा है? ये आपको स्टेटस बता रहा है. ये आपको क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग यू द ग्रोथ स्टेटस, राइट, ऑफ अ पॉपुलेशन. अब जो ग्रोथ स्टेटस है ये तीन टाइप का होगा. पहला, वेदर इट इज एक्सपैंडिंग मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, वेदर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. अब आप ग्रोइंग पॉपुलेशन में ये जो अपना फर्स्ट पिरामिड है ये है आपका एक्सपैंडिंग. तो एक्सपैंडिंग में आप देखो कि एक्सपैंडिंग में आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अब जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव वाले होंगे तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये और बड़ा होते जाएगा, राइट? तो ऐसे करते करते यहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. आप सेकेंड देखें, सेकेंड है आपके पास स्टेबल पॉपुलेशन, राइट? स्टेबल पॉपुलेशन, तो अब जो स्टेबल पॉपुलेशन है, राइट, तो स्टेबल पॉपुलेशन में आप समझ ही गए होंगे, स्टेबल में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इज नाइदर ग्रोइंग, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज नाइदर ग्रोइंग नॉर डिक्लाइनिंग, ना ये बढ़ रही है ना ये डिक्लाइन हो रही है, ठीक है? ये स्टेबल है. अब स्टेबल पॉपुलेशन में आप देखो, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव विल बी इक्वल टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. क्या? यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं इज इक्वल्स टू द रिप्रोडक्टिव
एज ग्रुप, फाइन। अच्छा लास्ट आप देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर आपको जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इक्वल है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का इज़ द रिप्रोडक्टिव और येलो वाला इज़ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड ये जो पिंक वाला है दिस इज़ द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आप देखो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव बराबर है। एंड थर्ड आता है आपका डिक्लाइनिंग एज, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है इट इज डिक्लाइनिंग, राइट। तो पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रही है, फाइन। ना डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्लाइनिंग में पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है, यहाँ पर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। किसके बराबर होंगे, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बराबर होंगे और फिर आगे जाकर के और कम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले आएंगे, राइट। एंड यहाँ पर इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, राइट। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है इज मोर या प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस राइट तो रिप्रोडक्टिव इज मोर देन प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, अब ये कम है, तो आप देखो फ्रॉम द पिरामिड अब प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, तो आगे जाके जब ये रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो फिर ये और कम प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि और कम बेबीज होंगे, तो ऐसे करते करते जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये है आपके पास 3 types ऑफ एज पिरामिड्स। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।